2020 का साल भारतवासियों के लिए मुश्किल भरा साल था। कोरोना के कारण देशवासियों को जिस हालात से गुजरना पड़ा उसे बयां करना शायद मुश्किल है। और इस मुश्किल दौर की शुरुआत भारत में आज ही के दिन 22 मार्च को हुई थी। आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और फिर एक दिन की छुट्टी के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। यानी यूं कहें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने की आधिकारिक शुरुआत जनता कर्फ्यू के रूप में आज ही के दिन हुई थी। इस जनता कर्फ्यू ने पूरे देश में एक संदेश दे दिया था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारतवासियों को कुछ दिनों के लिए अपने घरों में कैद रहना पड़ेगा। लेकिन देशवासियों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि संपूर्ण लॉकडाउन देश में बिना किसी तैयारी के लग जाएगा। हालांकि जब देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा तो उस दिन रविवार था, जिसके बाद लोगों ने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खुद को अपने घरों में कैद कर लिया। लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था कि इसके बाद देश में जनता के धैर्य की परीक्षा होने वाली है। हालांकि पहला लॉकडाउन 21 दिनों के लिए लगा था, जिसको भी जनता ने स्वीकार कर कोरोना को हराने की ठान ली। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, सरकार ने भी बिना किसी इंतजाम के लॉकडाउन की तिथियों को आगे बढ़ाते चली गई। लेकिन जब घरों में महीनों से बैठे प्रवासी मजदूर खाने की कमी से दो चार होने लगे तो उन्होंने पैदल ही अपनी मंजिल तय करने की ठान ली, जिसके बाद सरकार की सख्ती बढ़ती चली गई। हालांकि बिना किसी पूर्व तैयारी के देश में शुरू किए गए सख्त लॉकडाउन की सभी दलों ने कड़ी निंदा की और सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए, लेकिन फिर भी मोदी सरकार और उसके मंत्री अपनी गलती मानने के बजाय जनता पर ही लापरवाही बरतने का आरोप मढ़ने लगे और कोरोना फैलाने और विवादों का लंबा चक्र चलता रहा। 22 मार्च 2020 में जब जनता कर्फ्यू लागू किया गया तो एक आंकड़ों के मुताबिक उस समय कोरोना से देश में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और 169 लोग संक्रमित थे। लेकिन वहीं अगर 22 मार्च 2021 की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,34,646 है और 24 घंटे में 25,559 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 212 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगर बात करें राज्यों की तो महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी देखी जा रही है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 24 घंटे में 99 लोगों और पंजाब में 44 लोगों की मौत हो चुकी है और शेष राज्यों में महामारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। बहरहाल दुनिया में आई दूसरी कई महामारियों ने लोगों की कार्यशैली में कोई खास परिवर्तन नहीं कर पाया, लेकिन कोरोना महामारी दफ्तर से लेकर लोगों की दिनचर्या और दूसरी कई चीजों में आमूलचूल परिवर्तन कर डाला। इसकी रोकथाम के लिए भारत ने 2 वैक्सीन भी बना ली है और देश में टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में हमें बड़ी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि कोरोना को रोकने में हम लापरवाही नहीं बरते और सरकारी गाइडलाइंस का पालन कर देश को कोरोना मुक्त करने में सहयोग करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।